बिहार के सिंघम ने लिया एक्शन, थाना प्रभारी सस्पेंड तो कई किए गए सम्मानित। खबर सिवान जिले से है, जहां पर दो दिवसीय निरीक्षण को सिवान पहुंचे सारण पुलिस उप महानिरीक्षक मनु महाराज ने छपरा वापसी के क्रम में जिले के विभिन्न थानों में तैनात पुलिस पदाधिकारियों, जवान व गृह रक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरा दी। हालांकि कुछ पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए भी चयनित किया है। डीआईजी ने हुसैनगंज थानाध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुसैनगंज थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। वहीं 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। सभी पुलिस कर्मियों पर अलग अलग आरोप लगाकर यह कार्रवाई की गई है। हुसैनगंज थाना प्रभारी पंकज कुमार पर कार्यों में स्थिरता व नियंत्रण के अभाव में कार्रवाई की गई है। वहीं महादेवा ओपी में तैनात विद्या सागर को ओडी ड्यूटी में लापरवाही, वायरलेस बंद रहने पर गाज गिरी है। इसके अलावा सिपाही आनंद कुमार नगर थाना में तैनात, सुशील कुमार मुफस्सिल थाना में संतरी के पद पर तैनात, सिपाही सद्दाम हुसैन, सिपाही रामचंद्र प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं डीआईजी ने नगर थाना इंस्पेक्टर जयप्रकाश पंडित से कार्य में स्थिरता और नियंत्रण के अभाव में स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि मनु महाराज सारण आने के बाद काफ़ी सख्त मूड में है और उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक बैठक की थी सभी थानाध्यक्षों के साथ। लगातार पुलिसिया कार्रवाई और लापरवाही के कारण वह सस्पेंड का कार्य किए।